राइट, अब हम निकल रहे हैं हमारे गुजरात ट्रिप के लिए। बाइक इज रेडी, मनु इज हियर, वो पीछे हमारी लिली हमारी दोस्त है। बाय लिली। इसको ट्रैवल की काई नहीं है और इसको अब ट्रैवल की रहेगी। ब्रेकफास्ट टाइम। पॉल की बारी आ गई राइड करने की। हमने लोनावला में यहाँ रुके हैं, कुमार रिजॉर्ट करके जगह नाम थी। ब्रेकफास्ट हो गया है, अब आगे निकलेंगे मुंबई। मुंबई के आगे दमन, आज हमारा स्टॉप है दमन में। क्या हो ओके, सो वी आर ऑन द वे टू दमन। तो अभी मुंबई आएगा बीच में, जो कि अभी 50 किलोमीटर है। बिल्डिंग जाने लगी है फुल पावर वाली, जस्ट लाइक मुंबई। पंडे जिस जगह का नाम है, दमन एंड दीव। yes. आज हम दमन जा रहे हैं, परसों हम पहुंचेंगे दीव। ओके मनमोहित, थैंक यू फॉर द अपडेट। नो वेलकम हनी। ऑलराइट, हमने दमन में स्टे पूरा कर लिया है अपना, एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर डे टू अहमदाबाद। लेट्स गो। ऑल सेट फॉर द राइड मनमोहित? यस, ऑल सेट फॉर द गुजरात। एक छोटा सा ब्रेक नारियल पानी पीने के लिए। हाय दिशा, नारियल पानी पीओ 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 भाई। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे नाश्ता किया है, नाश्ता हॉलिक पे। मनु ने इनका थोड़ा कस्टमाइज वड़ा पाव खाया, और वहाँ जो मुंबई चौपाटी दिख रहा है वहाँ से हमने चीज़ पे वेज सैंडविच खाया, खेल बहुत ही अमेजिंग था। चाय थी अच्छी, थोड़ी सी कड़वी ज़्यादा, बट ये चलेगी। इट लाइक टू द वॉशरूम। कैंडू का होटल है, देखो होटल। सो हमारी धनु रिपेयर हो रही है आज, हल्का सा ऑयल लीक हो रहा था, इसका ये चीज खराब हो गई थी, जिसकी वजह से इंजन ऑयल हल्का हल्का लीक हो रहा था। ओके, तो ये चेंज किया अभी मैंने, अभी वैसे फिटिंग करेंगे। यस, ओके, ये भी होता है गाइस, अनप्लान्ड। और ये रही वो हमारी शॉप शेड्स वाली, जहाँ से हमने कूल शेड्स लिए अभी टाइम पास के लिए। काफी अच्छी कलेक्शन है पालेज में। डे टू, अभी हमने ब्रेक लिया है ऑन रूट अहमदाबाद। ये रही हमारी धनो, यहाँ पे हमने फ्यूल फिल करवाया है। मनमोहित रिलैक्सिंग, चिलैक्सिंग।
ये हम रात को जा रहे हैं थेपला खाने चामुंडा टी स्टॉल पे हमारे फ्रेंड्स के साथ। हाय रिद्धि। थेपला खाऊ छू। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आए अहमदाबाद में। ये पल की फ्रेंड है जिसने इसके साथ प्रीति किया था, तो यहाँ पे स्टे किया था। बहुत मजेदार स्टे था। हमने इतना फन मारा रात को। इनके हस्बैंड है, वो भी सो रहे हैं, सुबह लेट आए थे। हमने थेपला खाया, चाय पी रात को। थेपला सॉरी, 1 बजे हम रात को आए थे और बहुत एंजॉय आया। थैंक यू सो मच। चलो बाय। ऑल राइट, हम बस अहमदाबाद छोड़ के गांधीनगर, द ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ गुजरात एंटर कर रहे हैं। वूहू, थोड़ा बहुत फोटो सेशन भी किया। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है अहमदाबाद, एंड इतना वार्म स्टे था यहाँ पे फ्रेंड के घर पे। और अभी चल रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन सोमनाथ की तरफ। हर हर महादेव, जय माता दी, भारत माता की जय। गुजरात का नाश्ता करने लगे हम लोकल एकदम स्टॉल से, एकदम देसी स्टाइल। क्या बोलते भैया इसको, खमन और खमन पात्रा। थैंक यू भैया। लेट्स हैव खमन पात्रा। ये क्या है भैया? ये आपने जो खाया ना है खमन, हाँ, ये स्वीट खमन आएगा, इसको लाइलन बोलते हैं। पानी है क्या वो? नहीं, पानी और तेल और राई और मिर्ची चार का मिक्स होता है। पानी, तेल, राई और मिर्ची। जैसे वो खाया था ना आपने, वो तो निमकीन टाइप का था, ये स्वीट आएगा। अच्छा, सो गाइस हम ऑन रूट है सोमनाथ के। यहाँ पे लोटस लगे हुए हैं व्हाइट कलर के, मैं पर्ल के लिए तोड़ के ले आया नीचे से जाके। ये आई लव यू, जय हो। तो हमारी आज की डेस्टिनेशन 1 घंटे दूर है अभी, अराउंड 55 और 60 किलोमीटर। अच्छा, थोड़ी स्ट्रेचेस कर रही है, कह रही मैं थोड़ा योगा कर लूँ मुझे टाइम। चलो नीचे। ओके गाइस, आज हमने राइड की है 12 घंटे की और हम सोमनाथ एंटर कर रहे हैं। हर हर महादेव। हम पहुंच गए हैं और रात को निकले हैं सोमनाथ जी के दर्शन करने। चल रहे हैं अभी हर हर महादेव। हम जा रहे हैं अहल्येश्वर महादेव टेम्पल। हम हैं ऑन आवर वे टू भालका तीर्थ। अपने खुद की व्हीकल के फायदे हैं, हम जा रहे हैं भालका तीर्थ सोमनाथ से। भालका तीर्थ का तीर्थ
फाइंड आउट किया है क्या है। ये जो पीपल का पेड़ दिख रहा है, यहाँ पे बैठे थे श्री कृष्ण जी और ये जो है व्यास, इन्होंने इनको बांध मारा था इनके पैर पे, समझ के कि ये कमल का फूल है। दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस प्लेस। ब्यूटीफुल। और गाइस, तो हम लोग आ गए हैं श्री त्रिवेणी संगम घाट। यहाँ पे तीन नदियों का मिलन होता है। अंदर जाके देखते हैं कौन कौन सी नदी है वो। मोहित, क्या कर रहे हो आप? बाल फंस गया था, तब नहीं मोड़ पा रहा। ये कोई नहाने आते हैं ना तो लोग पूछते जाते हैं कैसे अब कैसे चाहिए, कुछ ना कुछ के बाल दे देता है काट के जब है क्या। दे आर हेल्पिंग अ बर्ड के पैरों में बाल फंस गए, तो हेल्प कर रहे हैं उसको फ्री करने के लिए, उड़ नहीं पा रही ठीक से। चलो इसको स्टाइल में उड़ाना ठीक है। एक भी देखने दे। तो यहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है, एक है हिरण, फिर कपिला और सरस्वती नदी। बहुत ही धार्मिक जगह है यहाँ पे। झंडा जीजा वो ही झंडा भी है। बंदे ने बताया टोटल इस जगह पे सोमनाथ जी को मिला के 12 शिवलिंग है, जिसमें से 6 चले गए पानी के अंदर, 7 पानी के अंदर गए और 5 अंदर। तो ये हमें बहुत प्यारा सा बच्चा मिला यहाँ पे, इसने बोला कि आप हमें सिक्का दो। ओ माय गॉड, और मैं सिक्का आप फेंको में लेके आऊंगा। तो हमने सोमनाथ के दर्शन कर लिए अच्छे से। दिस इज दिस अमेजिंग होटल जहाँ हमने स्टे किया था, बहुत अच्छा स्टे था। और अब हम लोग निकल रहे हैं हमारी अगली राइड द्वारका के लिए। कोई भी सोमनाथ आता है तो स्टे रहे सोमनाथ में, वेरी गुड प्रॉपर्टी, आप लोग यहाँ स्टे कर सकते हैं, जेन्युइन भी है, बढ़िया, अमेजिंग इट इज। अभी निकल रहे हैं हम नागेश्वर के लिए, द्वारकाधीश ऑल्सो द धाम। हर हर महादेव, टमी इज फुल, फ्यूल इज फुल, let's go, atma is also full, let's go।